अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल मून एवरी। दोस्तों आज मैं अपने बर्ड्स को सोप फूड डाल रहा हूँ। मैंने सोचा दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए कि हम अपने लव बर्ड को क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे थोड़ी सी पालक। आपने बस ये नोट करना है कि आपने सब्ज़ी जो लेनी है वो फ्रेश हो। उसके बाद है गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लौकी, चिकंदर, उसके बाद ये फ्रेश छली। ये कच्ची छली होती है, ज़्यादा जिसके सख्त दाने नहीं होते, दूध वाली छली होती है, बेहतरीन चीज़ है बर्ड्स के लिए। जितना आप बर्ड्स को नेचुरल की तरफ रखेंगे आपका बर्ड जो उतना एक्टिव हेल्दी रहेगा और बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा आपको। सबसे पहले हम ले लेंगे गाजर और इसको कद्दूकश की मदद से हम ब्रीक कर लेंगे। सॉफ्ट फूड हमारा जितना ब्रीक होगा उतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा हर बर्ड के हिस्से में बराबर का डिवाइड हो जाएगा। अभी हम गाजर को ब्रीक कर लिया है, अभी हम इसको एक साइड पे कर देंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी हमारे पास बंद गोभी की। सबसे पहले हम बंद गोभी के चार हिस्से कर लेंगे ताकि इसको भी कश की मदद से अच्छी तरह ब्रीक कर लिया जाए। साथ साथ डिटेल के साथ दिखाऊंगा ताकि जो न्यू फैंसियर हैं उनको ठीक तरह से समझ आ जाए कि हमने सॉफ्ट फूड कैसा बनाना है। अब ये देखिए आपके सामने मैं इसको कश की मदद से ब्रीक कर लूँगा और ये अब हमारी बंद गोभी जो है तैयार है। एक कश मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, इसमें डिफरेंट जो है वो छोटे कटर्स लगे हुए हैं और एक कश हमारे पास ये है। अभी देख सकते हैं बंद गोभी हमारी बेहतरीन किस्म की जो है वो ब्रीक हो चुकी है। अब बंद गोभी को भी हम जो है वो एक साइड पे कर देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे शिमला मिर्च, लौकी और चिकंदर। इन तीनों को जो है वो मैं छुरी की मदद से छोटे छोटे इनके पीस कर लूँगा क्योंकि कश में ये पानी छोड़ती हैं और सॉफ्ट फूड बड़ा गीला गीला सा हो जाता है, तो इनको हम छुरी की मदद से जितना ब्रीक से ब्रीक कर सकते हैं उतना हम ब्रीक कर लेंगे। बॉक्स लगाने से पहले जो है ये सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं कटिंग के लिए। अब हमने इसको जो है देखें कितनी है छुरी की मदद से ब्रीक ब्रीक कर लिया। आप लोगों ने भी जो है वो इसको इसी तरह ब्रीक कर लेना है। आवाज़ मेरी जो है वो थोड़ी ख़राब है, जिस भाई को समझ नहीं आएगी वो मुझे इन बॉक्स में कोई भी चीज़ मुझसे दोबारा पूछ सकता है। अब ये जो है पालक की बारी आ गई है, पालक को भी हम छुरी की मदद से ब्रीक कर लेंगे और ये बड़ी इजी जो है वो कटिंग हो जाती है छुरी से। अब ये हमारी पालक भी जो है वो बिल्कुल रेडी है बर्ड्स को डालने के लिए। अब एक एक चीज़ जो है वो मैंने आपको डिटेल के साथ वीडियो में बताई है कि कौन सी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँ और ये चीज़ें मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ। अब ये हमारा सॉफ्ट फूड देखें नाजरीन 90% तैयार हो चुका है। अब इसके बाद बारी है जी छली की। ये छली ये मैंने छील ली है। छली के दाने आपने इस तरह से छुरी से अलग कर लेने हैं ताकि ये भी अच्छी तरह जो है वो सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। ये फ्रेश छली है, ये बहुत बेहतरीन सॉफ्ट फूड है बर्ड्स के लिए। अब ये हमारा जो सॉफ्ट फूड है ये देख सकते हैं ये तैयार है बिल्कुल, और आपने इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेना है। जो आजकल फेसबुक पे, टिकटॉक पे और आगे पीछे डिफरेंट्स कैल्शियम ब्लॉक्स नीले पीले इस्तेमाल हो रहे हैं और रंग बिरंगी जो शॉपर्स हैं उनके अंदर कैल्शियम विटामिन सेल हो रहा है, उनसे आप लोग बचें और जितना बर्ड्स को नेचुरल की तरफ रख सकते हैं। बर्ड्स की एज पूरी होनी चाहिए और आप उसको अच्छा सॉफ्ट फूड यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह वो आपके पास लिंग भी करेगा और अच्छी आपके पास ब्रीड भी आएगी।